वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ फॉर विद बिफोर आफ्टर बिकॉज ऑफ देन इन फ्रंट ऑफ बाय एंड बिहाइंड राइट विद अ नाउन. ये सभी का यूज हम लोग किसके साथ सीखने वाले हैं, किसी ना किसी नाउन के साथ राइट. इसके बाद डायरेक्टली आपको ये जितने भी हमने लिखा है जैसे फॉर है, विद है, बिकॉज है, आफ्टर है, बिकॉज ऑफ है, सभी के बाद आपको डायरेक्टली क्या यूज कर लेना है, नाउन का. फॉर का यूज करते हैं के लिए या फिर ने के लिए. रूल क्या होगा, फॉर के बाद नाउन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. जैसे मेरे लिए फॉर मी, यू हैव टू स्पीक मेरे लिए फॉर मी, आप लोगों के लिए फॉर यू, उन लोगों के लिए फॉर देम, हम लोगों के लिए फॉर अस, मम्मी के लिए पापा के लिए और फादर. डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज द यूज ऑफ विद. विद का मतलब होता है साथ या के साथ. डन. जैसे मम्मी के साथ विद मदर, पापा के साथ दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, गांव वालों के साथ विद विलेजर्स. डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज द बिफोर. बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर ने के पहले. जैसे मैंने बोला कि मेरे पहले बिफोर मी, आपके पहले बिफोर यू, उन लोगों के पहले नेता के पहले बिफोर लीडर्स, नेता के पहले पुलिस के पहले बिफोर पुलिस. फिर होता है आफ्टर. आफ्टर का क्या होता है, बाद या फिर के बाद, ने के बाद. जैसे उन लोगों के बाद आफ्टर देम, हम लोगों के बाद आफ्टर अस, आपके बाद आफ्टर यू, मेरे बाद आफ्टर मी, मम्मी के बाद आफ्टर मदर, रोहन के बाद आफ्टर रोहन. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, का मतलब होता है कारण से, के कारण से या वजह से, के वजह से. जैसे आप बोलते हैं ना कि तुम्हारे वजह से मुझे वहां जाना पड़ा, या मेरे वजह से तुम इंग्लिश बोल पाते हो, उन लोगों के वजह से मैं पैसा कमा पाता हूं. तो यहां से आ रहा है ना, वजह से, के वजह से या फिर कारण से, के कारण से. तो हो जाएगा बिकॉज ऑफ, जैसे आपके वजह से बिकॉज ऑफ यू, मम्मी के वजह से बिकॉज ऑफ मदर, पापा के वजह से बिकॉज ऑफ फादर, उन लोगों के वजह से बिकॉज ऑफ देम, दोस्तों के वजह से बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ, सामने के सामने या फिर ने के सामने. जैसे पापा के सामने इन फ्रंट ऑफ फादर, मेरे घर के सामने इन फ्रंट ऑफ माय होम, मेरे स्कूल के सामने इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, मेरे कॉलेज के सामने इन फ्रंट ऑफ माय कॉलेज. नेक्स्ट इज बाय. बाय का मतलब बहुत सारे भी होते हैं, है ना, जैसे द्वारा, के द्वारा, के हिसाब से, इसके लिए भी करते हैं. जैसे कहीं से आप होते हुए जाते हैं, जैसे सिविल लाइन से होते हुए बाय सिविल लाइन. बट यहां पे हम लोग देखने वाले हैं बगल में, के बगल में. जैसे हम लोगों के बगल में बाय अस, आपके बगल में बाय यू, मेरे बगल में बाय मी, दोस्तों के बगल में बाय फ्रेंड्स. नेक्स्ट होता है बिहाइंड, पीछे के पीछे. जैसे उन लोगों के पीछे बिहाइंड देम, हम लोगों के पीछे बिहाइंड अस, मेरे घर के पीछे मेरे कोचिंग के पीछे बिहाइंड माय कोचिंग, मेरे कॉलेज के पीछे बिहाइंड माय कॉलेज. नाउ वी आर गोइंग टू दीज ऑल दी रूल्स यू नो टुगेदर बाय यूजिंग दिस शुड और कुड और मे माइट मस्ट. जहां भी आप यूज करना चाहते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं राइट. सो आई एम गोइंग टू स्पीक दिस सेंटेंसेस, यू हैव टू ट्रांसलेट. मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं. मैं आपके लिए खेल सकता हूं, आई कैन प्ले फॉर यू. मैं आपके लिए खेल सकता हूं, मैं आपके साथ खेल सकता हूं. आई कैन प्ले विद यू. मैं आपके साथ खेल सकता हूं, मैं आपके पहले खेल सकता हूं. आई कैन प्ले बिफोर यू. मैं आपके बाद खेल सकता हूं. आई कैन प्ले आफ्टर यू. मैं आपके वजह से खेल सकता हूं. आई कैन प्ले बिकॉज ऑफ यू. मैं आपके सामने खेल सकता हूं. आई कैन प्ले इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके बगल में खेल सकता हूं. आई कैन प्ले बाय यू. मैं आपके बगल में खेल सकता हूं. मैं आपके पीछे खेल सकता हूं. आई कैन प्ले बिहाइंड यू. क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वे लोग होमवर्क कर सकते हैं. दे कैन डू होमवर्क. वे लोग होमवर्क कर सकते हैं. वे लोग मेरे लिए होमवर्क कर सकते हैं. वे लोग मेरे साथ होमवर्क कर सकते हैं. दे कैन डू होमवर्क विद
मी, वे लोग मेरे पहले होमवर्क कर सकते हैं. They can do homework before me. वे लोग मेरे बाद होमवर्क कर सकते हैं. They can do homework after me. वे लोग मेरे वजह से होमवर्क कर सकते हैं. They can do homework because of me. वे लोग मेरे सामने होमवर्क कर सकते हैं. They can do homework in front of me. वे लोग मेरे बगल में होमवर्क कर सकते हैं. They can do homework by me. वे लोग मेरे पीछे होमवर्क कर सकते हैं. They can do homework behind me.